हेलो गाइस, आज हम आपको ताल का पोड़ा बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह के गोटा ताल ले लें, फिर आप उसको एक एक करके छिलका आप उसके निकाल दें। देखें कैसे हम निकाल रहे हैं, आप देखें। बिल्कुल इस तरह ही छिलका निकाल करके आप एक कढ़ाई पे रख दें, ऐसे एक एक करके छिलका आप छीलें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा फुल वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि ताल का पोड़ा कैसे बनाते हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए, हमने ताल को कैसे एक एक करके उसका छिलका निकाल दिया और इस हांडी पे रखा। इसकी खुशबू यानी महक, इसकी सेंट से मक्खियाँ भी आ जाती है। देखो, एक भी मक्खियाँ नहीं थी लेकिन आ गई इसकी सेंट खुशबू सुन करके। ऐसा ऐसा आप छिलका निकाल करके रख दें। देखिए, हमने पूरा छिलका निकाल लिया, पूरा फ्रेश कर दिया ताल को हमने। अब उसका गुठली भी दिखाई दे रही है, देखिए इसके भीतर में गुठली है। हमने इसको रख दिया, फिर हमने एक उठाया और इस हांडी पे हमने पानी डालकर रखा था पहले से, देखिए। और इस पानी पर आप अच्छे से चटकें यानी उसको मसलें, मसल मसल के आप उसका पानी को ऐसे ही मसलते रहें ताकि अच्छी तरह से उसमें जो रस होती है ना वो पूरा हांडी पे निकल आती है, उस पानी पे निकल आती है। देखिए, ऐसे ही आप निचोड़ दें उसको अच्छी तरह से। ऐसे ही एक एक करके आप उसको नीचे रखते जाएं। फिर हमने एक और एक उठाया, फिर पानी में डाला और ऐसा जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा है आप ले लें। लेने के बाद अच्छी तरह से पानी में आप मस लें। और एक बड़ा वाला था जिसके अंदर में गुठली है, आप अच्छे से पानी में रगड़ दें ताकि पानी आपका जो ताल का पानी बन जाएगा। ऐसे ही आप पानी में अच्छे तरह से मसलें और इस तरह से निचोड़ दें। बिल्कुल हमारा पानी बन गया, देखिए ताल का पानी ऐसे ही बनाई जाती है, देखिए। फिर हमने एक नेट यानी कि जाल, जो छोटी छोटी फांस वाली होती है, उसको कढ़ाई पर रख के हमने पानी, ताल का पानी डाल दिया। डालने से आप उसको छान लें अच्छे, देखिए जो भी उसमें छिलका विलका होता है वो इस पानी पे नहीं जाएगा बल्कि उसमें नेट पे रह जाएगी। अच्छी तरह से निचोड़ दें बस, बिल्कुल ऐसे। देखिए, पूरा फ्रेश हो गया, एक भी छिलका विलका नहीं है, ये ताल का पानी बन गया, देखिए। फिर आप एक चम्मच नारियल, कूरा हुआ नारियल डाल दें। इतने भी पड़ी है सब कूरा हुआ नारियल है। फिर चीनी ले लें और चीनी को हांडी पर डाल दें इस तरह से, ताल के पानी पे जो हांडी पर रखा हुआ है। फिर ये आटा है जो अरुआ चावल का आटा, हमने पानी पर भिजा करके उठा करके फिर ग्राइंडिंग करके रखा था, जो इसको अभी हमने डाल दिया हांडी पे। 500 ग्राम का ये आटा होगा अरुआ चावल का। फिर आप इस तरह से हांडी पे चम्मच से घुमाते रहें यानी अच्छी तरह फेंटते जाएं। बिल्कुल भी आप फेंटना बंद ना करें, थोड़ा टाइट टाइट से हो गया है, थोड़ा फेंटने में थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन आप उसको अच्छी तरह से फेंटते जाएं। और फेंटने के बाद में इस तरह आप हांडी बढ़ा दें, अच्छी तरह से फुटाएं उसको। फुटाने के बाद आप हांडी उतारें, फिर एक कढ़ाई बैठाएँ और इस तरह से तेल आप डाल दें। तेल डालने के बाद आप फिर जो हांडी उतारे थे, जो हमारा बन चुका था ताल का आइटम, उसको एक एक चम्मच करके निकालें और ऐसे ही कढ़ाई पर डालते जाएं। देखिए हम कैसे डाल रहे हैं, आपको बिल्कुल देखने से आपको समझ में आ जाएगा, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। बिल्कुल आप देखते जाएं कैसे हम डाल डाल रहे हैं, कैसे हम कढ़ाई पे।
ऐसे ही डालने के बाद फिर आप केला पत्थर जो है हमने काट के रखा था ऐसे ही ढांप दें कढ़ाई पे, 3 4 5 जितने भी हो ऐसे ही ढांप दें। देखिए कैसे हमने ढांपा है, ऐसे ही ढांक देने के बाद में फिर क्या करना है आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी आप वीडियो स्किप ना करें, ऐसे ही आग डालें। जो हमारे चूल्हे पे जो आग थी कोयले वाली, ऐसे ही इसके ऊपर में आग डालते जाएं, चम्मच से निकालें आग को और इसके ऊपर में डाल दें, ऐसे ही चारों तरफ समान करके अच्छी तरह से आपको डालना है। इस तरह से आप फूकने से फूक दें और इस आग को कम से कम 2 3 घंटा आपको रखना है। 2 3 घंटे के बाद में फिर आपको उतार लेना है हांडी को, नीचे भी फूक दें। फूकने के बाद 2 3 घंटा आपको ऐसे ही रखना है। रखने के बाद हांडी को उतार लें। देखिए हमारा पोहा बन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल बन चुका है। फिर इसको आप कटिंग हमने कर दिया था चाकू से, छोटा छोटा पीस किया हुआ था। देखिए बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्ट। अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें।